आज हमारा क्वेश्चन है यूजिंग सुटेबल ग्रुप फाइंड द फॉलन प्रोडक्ट। हमें सुटेबल ग्रुपिंग करना और फिर इसको क्या करना, प्रोडक्ट करना। हमारा क्या है, 2 × 48 × 5 है। अगर मैं इसको 48 × 2 फिर 5 करूँ तो लॉन्ग है, तो हम देख रहे हैं हमारा सिंपली जा रहा है 5 × 2 कितना हो रहा, 10 हो रहा। अगर मैं 2 × इसको 5 करूँ इंटू कितना करूँ, 48, क्यों किया, 5 × 2 = 10 और 0 के से मल्टीप्लाई होता तो सेम आता है, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 × 48। अब देखो 48 का 48 × 1 = 48, ये 0 है तो ये हमारे इजी वे में आंसर आ गया। ओके, ऐसे यहाँ देखो 5 × 87 × 20, देखो अगर मैं 5 × 4 = 25 कितना होता, 100 होता, तो हम इसको सिंपल क्या करें, 5 × 20 × 87। ओके, अब देखो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 0 है तो ये 0 × 87। अब 1 × 7 = 7, 1 × 8 = 8, कितने 0 है, 2 0 है तो 2 0 लग जाएंगे, तो आंसर हमारा सिंपल वे में आ गया। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट है क्या, देखो 4 × 65 × 25 है। अगर आप 4 × 25 करो तो 100 होता है कि नहीं होता, तो हम इसको रिग्रुपिंग क्या करते हैं, 4 × 25 × 65 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 5 × 4 = 20 कैरी 2 × 4 = 8 और 9 = 10, मतलब 25 × 4 = कितना होता, 100 हो जाएगा × 65। अब 65 15 = 5 16 = 6 और ये 0 हमारा आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ हमारा 125 × 75 × 4 है, तो हम क्या करेंगे, 125 × 4 × 75, 5 × 4 = 20 कैरी 2 × 5 = 8 और 2 = 10 कैरी 1 × 4 = 4 = 1 = 5, 500 × 75। अब देखो 5 × 5 = 25 कैरी 2 × 5 = 7 = 35 और 2 = 37 और 2 0 तो 2 0, ये हमारा आंसर हो गया। ओके,